तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं एजाज लड्डन आपका स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न को यहां पे समझ लेते हैं। तो यहां पे प्रश्न क्या है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें, यानी आपका जो तर्क है वो वैश्वीकरण के पक्ष में होना चाहिए, वैश्वीकरण के सपोर्ट में होना चाहिए। यानी वैश्वीकरण से कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा, कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। तो बुरा प्रभाव के बारे में आपको नहीं बताना है, केवल इसका जो अच्छा प्रभाव है, इसका जो अच्छा अच्छा चीज़ है, अच्छा जो साइड है, उसी को हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण। एकीकरण का मतलब विश्व को आपस में जोड़ना, विश्व को एक करना। तो जब हम विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ेंगे, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, जैसे भी हो, जब विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था या विश्व के विभिन्न देश आपस में जुड़ जाता है, तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण में भारत भी विश्व के अन्य देशों से जुड़ा है। तो जब भारत विश्व के अन्य देशों से जुड़ा है, तो किसी अन्य देश का कंपनी भारत में आकर के अपना कारखाना खोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पक्ष में आइए कुछ तर्क हम लोग दे सकते हैं। यहां उत्तर में है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिया जा सकता है, मतलब नीचे लिखा हुआ कुछ तर्क हम वैश्वीकरण के पक्ष में दे सकते हैं। आइए इन तर्क को देख लेते हैं। वैश्वीकरण से क्या फायदा होगा, सबसे पहला देखिए। प्रत्यक्ष मतलब सीधा, विदेशी मतलब विदेश का निवेश को प्रोत्साहन। यानी वैश्वीकरण से जब भारत विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ेगा, तो विश्व के अन्य देश जो है भारत में निवेश करेगा, भारत में अपना पूंजी को इन्वेस्ट करेगा, अपना पूंजी को भारत में लगाएगा, इसी को बोलते हैं निवेश। और ये पूंजी कैसे लगाएगा, जो विभिन्न देशों के फैक्ट्री है वो भारत में आकर के कल कारखाने खोलेंगे, ऐसा वैश्वीकरण के कारण। अब विदेशी कंपनी भारत में आकर के कल कारखाना खोलेगा, तो उससे क्या फायदा होगा। देखिए, इससे भारत को अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त हो सकेगा, यानी इन निवेश से भारत को क्या आय प्राप्त होगा, भारत को टैक्स प्राप्त होगा। इन टैक्सों के माध्यम से जो भारत को पूंजी प्राप्त होगा, इससे वो अपना विकास कर सकता है। आगे देखिए, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। देखिए, प्रतियोगी शक्ति का मतलब ये हुआ जो कंपटीशन करने वाला पावर है उसमें वृद्धि होगा। जब भारत विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनी आएगा, तो इन कंपनियों के बीच आपस में क्या होगा, आपस में इन कंपनियों के बीच कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा। यानी कम से कम मूल्य पर वस्तु को बेचना चाहेगा ये कंपनी, और फायदा किसको होगा, भारत को होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था, जो भारत का अर्थव्यवस्था है, का त्वरित विकास हो सकेगा। त्वरित का मतलब काफी तेजी गति से उसका क्या होगा, विकास होगा, तरक्की होगा, उसका वृद्धि होगा। अब अगला पॉइंट्स को देख लेते हैं। तीन नंबर में है नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। यानी वैश्वीकरण के पक्ष में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण होने से नई प्रौद्योगिकी, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है, के प्रयोग में सहायक मिलेगा, मदद मिलेगा। वो कैसे, देखिए, विकसित देश हम उस देश को कहेंगे जो विकास कर चुका है, जो तरक्की कर चुका है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान वगैरह द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी, जो नई टेक्नोलॉजी है, का प्रयोग भारत कर पाएगा। यानी वैश्वीकरण से भारत किसी अन्य देशों से जुड़ेगा, तो वहाँ का हम लोग नई प्रौद्योगिकी का भी क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आगे है अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति। देखिए, उपभोक्ता वस्तु किसको बोलेंगे, वैसा वस्तु जिसका हम लोग इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, उसको हम लोग उपभोक्ता वस्तु बोलेंगे। तो वैश्वीकरण से भारत जो है किसी अन्य देश से जुड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि किसी दूसरे देश का जो अच्छी अच्छी वस्तु है वो भारत में अवेलेबल हो जाएगा, वो हम लोगों को मिलने लगेगा। उसी बात को यहाँ पे बताया कि भारत में अच्छी अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुएं, उपभोग का मतलब इस्तेमाल करने वाला, प्रयोग करने वाले वस्तुएं
कम कीमत पर, कम दाम पर उपलब्ध हो पाएगा, मौजूद हो पाएगा। ऐसा वैश्वीकरण के कारण ही हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नए बाजार तक पहुँच, देखिए भारत के लिए दुनिया के बाजार तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मार्ग प्रशस्त का मतलब रास्ता खुल जाना। ऐसा इसलिए भारत जब वैश्वीकरण के कारण विश्व के अन्य देशों से जुड़ेगा तो भारत का पहुंच विश्व के विभिन्न स्थानों में, विश्व के जमीन विभिन्न जगहों तक उसका क्या होगा, पहुंच हो जाएगा, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट से देखिए, यहाँ पे उत्पादन के स्तर मतलब लेवल को उन्नत करना, वैश्वीकरण से क्या होगा, देखिए विदेशों के अच्छे मशीन तथा तकनीक के प्रयोग से उत्पादन के स्तर को उन्नत मतलब अच्छा किया जा सकेगा। वैश्वीकरण से जब भारत विश्व के अन्य देशों से जुड़ेगा तो अन्य देशों के जो मशीन है, उनके जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका हम भी प्रयोग करेंगे और जो उत्पादन है, जो पैदावार है, उसके स्तर को, उसके लेवल को उन्नत करेंगे, अच्छा करेंगे। आगे है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों में सुधार। बैंकिंग तो समझ रहे हैं, वित्तीय का मतलब होता है वित्त का, और वित्त मतलब होता है रुपया, तो रुपया से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सुधार करेंगे, उसमें ठीक ठाक करेंगे। वो कैसे, देखिए अन्य देशों के संपर्क में आने से, अन्य देशों के संपर्क में आने से, टच में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता, काम करने की जो क्षमता है, जो कुवत है, जो ताकत है, जो तरीका है, उसको हम लोग कुशलता बोलते हैं। कुशलता में सुधार होगा। ऐसा क्यों होगा, जब हम लोग विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आएंगे तो उसके सभी चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। और अंतिम वह पॉइंट में है मानव पूंजी की क्षमता का विकास। मानव पूंजी, देखिए मानव एक प्रकार का पूंजी है। जब मानव किसी दूसरे मानव के काम में आता है तो वो एक पूंजी बन जाता है। जैसे हमारे देश में जितने भी शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वो मानव पूंजी है, वो किसी ना किसी मानव के काम में आता है तो उसको मानव पूंजी कहेंगे। विश्व के विभिन्न देशों से शिक्षा, कौशल का मतलब होता है कोई हुनर सीखना, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग प्राप्त कर मानवीय पूंजी का विकास किया जा सकेगा। यानी सिंपल सा है, जब भारत विश्व के अन्य देशों से जुड़ेगा वैश्वीकरण के कारण तो विश्व के विभिन्न देशों से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनके कौशल को लेंगे, उसके हुनर को लेंगे, काम करने के तरीका को लेंगे और प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे विश्व के विभिन्न देशों से प्राप्त कर मानवीय पूंजी का क्या करेंगे, विकास किया जा सकेगा। यानी हम विदेश में जाकर के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो इससे क्या होगा, मानवीय पूंजी का विकास होगा। तो यहां पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस का लिंक है। धन्यवाद।